ज्वाली मुखर्जी, जिन्होंने इंडस्ट्री में शुरुआत पंचमदा के साथ की, कोरस में पहली बार रफी साहब के साथ गाया, अपने हिंदी सिनेमा के करियर में जितने भी गीत गाए ज्यादातर हिट हुए, लेकिन एक गीत ऐसा जो इन्हें भी मालूम नहीं था कि ये फाइनल प्लेबैक कर रहे हैं और ये फिल्म में रखा जाएगा। गीत इतना हिट हुआ कि इनका कोई कॉन्सर्ट इसके बिना पूरा नहीं होता। चांदनी ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी। फिल्म चांदनी और इसका टाइटल सॉन्ग। आज इसी गीत के बारे में बात करने वाले हैं रील नहीं रियल स्टोरीज में। म्यूजिक ज्वाली मुखर्जी के परिवार में ही था। इनके पिता प्रोफेशन से इंजीनियर थे, लेकिन उन्हें सरोद बजाना बहुत अच्छे से आता था और शौक भी था। और ये कहते हैं कि मैं बहुत लकी था कि 10 साल की उम्र में आरडी बर्मन साहब के साथ बहुत करीब था मैं उनके। हालांकि उनके घर आना जाना, संगीत के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मिलना आम था, लेकिन कभी खुद इसी प्रोफेशन में आना है ये सोचा नहीं था। ब्रिटिश एयरवेज के साथ नौकरी भी पक्की हो चुकी थी, लेकिन फिर कुछ कारणों से ये उसे ज्वाइन नहीं कर पाए। अब एक फिल्म शालीमार का बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड हो रहा था। ये कहते हैं मैं वहीं था, इसका म्यूजिक पंचमदा ने दिया था। जब लंच ब्रेक हुआ तो पंचमदा ये कहते हैं मेरे पास आए, तो मैंने कहा कि जो आपके म्यूजिक पर ये जो कोरस गा रहे हैं ना, ये मैं भी गा सकता हूँ। पंचमदा थोड़ा हैरान भी हुए, और फिर इनके ब्रदर इन लॉ जो कि पंचमदा के ग्रुप में गिटारिस्ट थे, पूछा ये क्या कह रहा है। उन्होंने कहा कि हाँ, थोड़ा बहुत गिटार भी बजा लेता है। ज्वाली मुखर्जी को ग्रुप सिंगर्स का मेंबर बना दिया गया, और पहला गीत रफी साहब और भूपिंदर जी के साथ इन्होंने गाया था। फिल्म थी जेल यात्रा 1978 में, कोरस में। अब सिंगिंग में इंटरेस्ट भी होने लगा था। पहला सोलो गीत का ब्रेक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया। फिल्म थी दयावान और गीत था चाहे मेरी जान तू ले ले। चाहे मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान तू ले ले, चाहे मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान। फिर कई जिंगल्स भी गाए। फिर अगले ही साल 1989 में फिल्म रिलीज हुई चांदनी। इस फिल्म का म्यूजिक शिव हरी जी ने दिया था, और इस फिल्म ने इसके म्यूजिक ने धूम मचा दी थी, और इसका टाइटल सॉन्ग इन्होंने ही गाया था श्रीदेवी जी के साथ। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने सदल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी ओ मेरी चांदनी। ज्वाली मुखर्जी कहते हैं मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये गीत इतना बड़ा हिट होगा। शायद सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था, 1.5 घंटे रिहर्सल और फिर एक ही टेक में रिकॉर्डिंग। वो कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिश्ड सिंगर तो था नहीं, मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं सिर्फ शूटिंग के लिए गा रहा हूँ, बाद में इसे कोई और गाएगा। वो कहते हैं मुझे तो 9 महीने बाद फोन आया कि गाना आपकी आवाज़ में ही रखना है फिल्म में। वो कहते हैं मैं फिर स्टूडियो गया, श्रीदेवी जी वहाँ पर थी और उन्होंने भी अपना पार्ट वहीं रिकॉर्ड किया। वो कहते हैं मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मैंने कई गीत गाए होंगे, लेकिन इस गीत की बात हर बार हर कहीं होती है, और मेरा कोई कॉन्सर्ट पूरा नहीं होता इस गीत के बिना। ज्वाली मुखर्जी कहते हैं ये गीत मेरे लिए सचमुच बहुत स्पेशल है। इन्होंने अपने हिंदी सिनेमा के करियर में बेशक बहुत ज्यादा गीत ना गाए हों, लेकिन ज्यादातर गीत हिट ही हुए हैं। 1991 साथी फिल्म का आज हम तुम ओ सनम, 1992 संगीत फिल्म का सुनो हसीना, राजू बन गया जेंटलमैन, लवेरिया हुआ, 1993 की फिल्म साहेबान मेरी साहेबान, आईना का गोरिया रे गोरिया रे। आपको ज्वाली मुखर्जी की आवाज में कौन सा गीत है जो बहुत पसंद है, कमेंट्स में लिखिएगा।